बाकी सभी लोग भी आगे आगे चल रहे हैं, है उधर अंदली हुआ है, मम्मी जी हैं। तो पहुंच गया जी पूजा का दुकान, यही है पूजा का दुकान जिया। तो उधर तो चल रहा है जी पूजा के सामान का पैकिंग और इधर जिया की अपनी चल रही है खरीदारी। यहाँ इसकी मौसी को जैसे ही पता चला कि क्रियान साया हुआ है तो रिया भी आ गई और उसकी नानी भी आ गई वहाँ पर। नाना भी आए हैं। नाना जी भी आए हुए हैं। अच्छा, आके इसको जगा दिए, सोया हुआ था अभी, इसको जगा दिए, इसको जगा दिए। कौन बॉडी बॉडी बना रहे हो? भूमि भैया के वीडियो भेजता हूँ, जानते नहीं कौन भी। यहाँ पर होने वाली है जी पूजा, कल है रविवार तो कल पंडित जी आएंगे। पंडित जी के आने के बाद जो है पूजा की जाएगी और उसके लिए जो है खरीदारी हम लोग जा रहे हैं करने मार्केट। तो चलते हैं, गाड़ी लेकर के आते हैं। यहाँ पर चल रहा है गली क्रिकेट। क्या हो गया, मार हो गया? सब बच्चा सब यूट्यूब पर आ रहा है, भाग गया वो। अच्छा। तो गाड़ी तो निकाल लिया जी, सभी लोग बाहर वेट कर रहे थे तो सभी लोग आ रहे हैं अंदर और यहाँ से चल रहे हैं सीधा मार्केट। कौन सा बाजार जा रहे हैं जिया? कौन खरीक मार्केट। तो चलते हैं वहाँ और वहाँ चल करके सभी लोग खरीदारी करते हैं पूजा की। आगे कौन बैठेगा? पापा। ठीक। तो पहुंच गए जी मार्केट, गाड़ी को वहां पर लगा दिया, एक पार्किंग का जगह मिल गया। अंदर लेकर के नहीं गए क्योंकि अंदर जो है काफी ज्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा और काफी ज्यादा भीड़ है। बाकी सभी लोग जो आगे आगे चल रहे हैं, है उधर अंदली हुआ है, मम्मी जी हैं। तो पहुंच गए जी पूजा का दुकान, यही है पूजा का दुकान जी। शॉपिंग हो गया है, पैसे में डिस्कशन चल रहा है कितना भेजे कितना नहीं भेजे। दोनों मिला के बारह सौ। तो हो गई जी यहाँ पर खरीदारी। सामान है छोटा सा लेकिन रखने वाला कितना बड़ा है। नहीं, इसमें बहुत शॉपिंग की है। अच्छा। यहाँ जो मार्केट है कि देख रहे हैं अच्छा खासा मार्केट है, लगभग यहाँ पर सब कुछ मिल जा रहा है, फल से लेकर के कपड़ा से लेकर घर के पास में ही है। अच्छा है, ऐसा करते हैं मार्केट से जब हो जाए सारी शॉपिंग तो कुछ खा भी लेंगे। वो तो आपकी आदत है। उधर तो पापा की खरीदारी हो गई जी, अब ये सभी आ गए हैं यहाँ पर, देखते हैं यहाँ का खरीदा जा रहा है। कपड़ा ले रहा है कुछ? यहाँ पर भाई साहब कर रहे हैं जी सारी पूजा की पैकिंग, हो गया लगभग सारा? जी ठीक है। अच्छा, में देंगे ग्राहक सब भेजिएगा। और क्या अब मिला ही दिए ना? नहीं नहीं है। उधर तो चल रहा है जी पूजा के सामान का पैकिंग और इधर दिया की अपनी चल रही है खरीदारी। दिया और अंजलि हुआ दोनों मिल करके कुछ कॉस्मेटिक्स का सामान ले रही है। हो गई खरीदारी, बाकी है अभी। सारी खरीदारी तो हो गई जी, यहाँ पर कुछ लिया जा रहा है बर्तन का सामान तो हमने भी ले लिया है। जिया के हाथ में देख सकते हैं यह कढ़ाई। आप में से बहुत लोग कहते थे कढ़ाई चेंज कीजिए, कढ़ाई तो आज फाइनली चेंज हो। तो आ गया बाबू के लिए झुनझुना। कौन है, सूर्यमुखी वाला? ठीक है सब झुंझुना एक के। उम्मीद करते हैं सारी खरीदारी हो चुकी है क्योंकि एक एक करके याद आ रहा है कि यह भी लेना है वह भी लेना है। पिछले आधे घंटे से कुछ ऐसा ही हो रहा है, सोच रहे अब गाड़ी में जाके बैठेंगे अब निकलेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ याद आ जा रहा है। क्या यह बच गया वह बच गया? नहीं, फंक्शन का तो सामान सबका हो गया और एक्स्ट्रा सामान सब। तो ले लिया जी सारा सामान और सारा सामान लेकर के हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं घर और गाड़ी को वहां पर हम लोग लगा दिए हैं। अब सीधा चलते हैं यहां से घर की तरफ। आगे का रास्ता जो है कुछ इस तरह का है, यहां पर सांप कीड़ा सब भी अच्छा खासा मिलता है तो संभल के चलना है। एक बार हम जब इस रास्ते पर चल रहे थे यहाँ एक सांप दिख गया था हमको। The next day. यहां पर पापा भूल गए ना आपको बोला अच्छा कसर निकालेंगे घर चलिएगा तब। ससुराल तो भूलेगा ना हमको, हम भी अपना ससुराल जाएंगे तो भूल जाएंगे। नहीं भूलना है, देख ले ऊपर। कौन बोल रही है जी? बोला पापा भूलो मत। क्रियांश, क्रियांश
अब देख रहा है पापा की तरफ, लेकिन फिर देखने लगा पंखा। अब पंखा बंद करवा देंगे बेटा, तब कल मेरे में रहना पड़ेगा। तो बाबू सभी के साथ घूम लिया और घूम फिर कर फैमिली आया है पापा के पास, है ना। पापा के साथ खेलना है बाबू को। कितना सीरियस हो गया पापा के पास आकर के। मिस्टर बुग्गा, मिस्टर बुग्गा इसका नाम ना बहुत सारा है, मिस्टर बुग्गा, मिस्टर जी के, इसकी दादी ने इसका नाम रखा है कुकरी, और ना जाने क्या क्या सोनमोहन, तो ढेरों नाम है बाबू के हैं। अब कौन सा एक नाम रखा जाए वो तो पता नहीं, ऑफिशियल नेम तो तय हो गया है, वो है क्रियांश। घर का नेम क्या रखा जाए। A few moments later. तो अभी हम लोग आ गए हैं जी पीछे के बगीचा में, और यहाँ से हमें तोड़ना है बेलपत्र और फूल, जो भी पूजा की सामग्री होती है। और एक प्लान में चेंज हो गया है, आज होने वाली थी घर में पूजा, शिव की पूजा, लेकिन आज जो है घर में पूजा नहीं है, पंडित जी का जो है थोड़ा शेड्यूल बिजी है, तो मंगलवार को उन्होंने कहा है कि वह दिन है और शुभ दिन भी है, तो वह पूजा जो है वह होगी मंगलवार को। फिलहाल हम लोग यहाँ पर जो है फूल और बेलपत्र इसलिए तोड़ रहे हैं, हम लोग जाने वाले हैं पास के एक शिव मंदिर, गाँव है मरवा, जो भी आसपास के होंगे उनको मरवा मंदिर के बारे में जरूर पता होगा। अगर आपको पता होगा, अगर मरवा से है तो कमेंट करके नीचे बताइएगा। तो यहाँ पर जी बेलपत्र तो तोड़ लिया गया है जी, अब तोड़ा जा रहा है यहाँ पर फूल। कितना सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर उजला फूल तो लगता है नहीं सुंदर। इसके अलावा जी ढूंढा जा रहा है यहाँ पर भांग का पत्ता और धतूरा, दरवाजे पे मिलेगा, दरवाजे पे मिलेगा, पहले था यहाँ पर, अच्छा खासा है ना। हाँ जी, तो भांग को लेकर के गलत नहीं समझिएगा, ये बात हमने जिया के चैनल पर भी बोला था, यहाँ जो भांग जो है या शिव भगवान को चढ़ाया जा रहा है, भांग धतूरा, पता हो सकता है कि कुछ ही देर में कमेंट आना शुरू हो जाता, आप लोग भांग खाते हैं, नशेड़ी है, नशा को प्रमोट कर रहे हैं। तो यहाँ पर सब कुछ तोड़ लिया गया है जी, अब सीधा चलते हैं घर के अंदर। नहीं तोड़ा गया, बहुत कुछ बाकी है। ये लो, हरी नाना के साथ खेल रहा है बाबू, खेल रहा है, खेल रहा है हरी नाना के साथ। खिचड़ी है, खिचड़ी, खिचड़ी। हाँ कैसे, हाँ जब जब बुढ़ियान नहीं खा रही दर्जे की, हाँ उंगली डाले से मुंह में आते चीर देते, उंगली से निकाल रहा हूँ मुझे। खिचड़ी जो, खिचड़ी, खिचड़ी जो। तो हमारा तो हो गया जी नहाना, जिया भी नहा के एकदम हो गई है तैयार, और सभी लोग यहाँ पर हो रहे हैं तैयार। तो आजकल होता क्या है, जिया पहले तैयार हो जाती है और हम ही लेट से होते हैं, क्योंकि आप बैठे रहते हैं। अग्नि समय में तैयार होते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं क्या कि तुमको तैयार होने में लगेगा ही समय, तो आराम से बैठे रहते हैं, इस चक्कर में लेट हो जाता है। तो जी यहाँ से हम लोग चलने वाले हैं मरवा के मंदिर, जैसा कि आपको कुछ देर पहले बताया था, और गाड़ी जो है बाहर तैयार है, बस सभी लोग को तैयार होना है और निकलते हैं। तो जी अब सभी लोग हो गए हैं तैयार और जाते हैं, जाकर के गाड़ी को निकालते हैं, और गाड़ी को निकाल करके हम लोग चलने वाले हैं मरवा के मंदिर। हम वहाँ पर एक हमारी भाभी का घर भी है, पता नहीं आपने वो ब्लॉग देखा था कि नहीं, तो एक बार हम मंदिर गए हुए थे और हमें ध्यान नहीं था कि यहाँ पर जो है भाभी का घर ही है, तो अचानक से उनसे एक बार मुलाकात भी हो गई थी। फाइनली जी गाड़ी को लगा दिया है दरवाजे के पास, सभी लोग के आने का इंतजार है, उसी जी आ चुकी है और बाकी लोग सब भी आने वाले हैं। ओहो, बुग्गा भी आ गया है, बुआ जी भी आ गई, और अब रिया का इंतजार है।